डरो मत, संविधान अभी जिंदा है। इसी नारे के साथ तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर बापू वाटिका के समक्ष बैठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं हाथों में जो तख्ती है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है डरो मत, संविधान अभी जिंदा है। हम लोग सीधे यहाँ पर जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से हम लोग सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इसके ज़रिए वो संदेश देना चाहते हैं। सर, एक बैनर स्पष्ट लिखा हुआ है कि डरो मत, संविधान अभी जिंदा है। बिल्कुल, लगातार जो आप देख रहे हैं जिस तरह से लोकतंत्र को और संविधान को खतरे में डालने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे इस संकल्प के साथ कि जो लोग गांधी सरनेम से नफरत रखते हैं उन सबको हम लोग अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए सबक सिखाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से टाना भगत यहाँ पर मौजूद हैं, आदिवासी कांग्रेस के साथी, ओबीसी कांग्रेस के साथी, अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथी और एससी कांग्रेस के साथी सभी पूरी तरह से संविधान को बचाने के लिए आज सत्याग्रह पर हैं। और हम समझते हैं ये सत्याग्रह से सबसे बड़ी कोई चीज़ मिलती है तो हमें एक ऊर्जा मिलती है। ये जो तमाम लोग बैठे हैं नई ऊर्जा के साथ अपने अपने जिलों में जा करके संविधान और लोकतंत्र जो कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई दे रहा है और जो लोगों के बीच में एक गांधी नाम के विरुद्ध नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम लोग मोहब्बत में बदलने का प्रयास करेंगे। और लगातार इस तरह के सत्याग्रह जब तक कि हम लोग पूरी तरह से ये आश्वस्त नहीं हो जाएं कि हाँ संविधान के मुताबिक देश चल रहा है, तब तक लगातार इस लड़ाई को जारी रखेंगे। 30 दिन का जो समय राहुल गांधी के पास है, लोग मान रहे थे कि बहुत जल्द उसको लेकर के वो अपील करेंगे, मगर वो उन्होंने अभी तक अपील इसको लेकर के नहीं किया है, तो लोग जानना चाह रहे हैं आखिर क्या सोच रही है कांग्रेस आगे करने के लिए। निश्चित रूप से देखिए, कानूनी प्रक्रिया है, हम कोई जल्दीबाजी में नहीं है कि जैसे सदस्यता के लिए जो फैसला आया जो उसके बाद 24 घंटे के अंदर सदस्यता रद्द कर दी गई। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है और हम जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करते। पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझ करके न्यायालय ने जो न्याय दिया है वो किस प्रकार का है, उन सारी चीज़ों को समझ करके ही कोई हम लोग अगला कदम उठाएंगे। लेकिन सिर्फ सवाल राहुल गांधी जी की सदस्यता का नहीं है, सवाल अडानी के घोटाले का है कि अडानी के घोटाले पे इतनी नाराजगी प्रधानमंत्री जी को क्यों हुई कि अगर कोई कोर्ट का फैसला आता है तो कई मामलों में 15 दिन और 2-2 महीने तक निर्णय नहीं लिया जाता है और 24 घंटे के अंदर आपने उस आवाज़ को कुंद करने का या बंद करने का प्रयास किया जो अडानी के घोटाले के खिलाफ बोल रहा था, तो वो हम संभव नहीं होने देंगे। हजारों हजार राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और राहुल गांधी अपने सब हम लोग अपने अंदर राहुल गांधी को देखते हैं। लड़ाई जारी रहेगी, वो चाहे सदस्यता रद्द कर दे, चाहे घर छीनने का काम करे, किसी भी समय में हम लोग उनके साथ खड़े हैं और पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज हजारों घर में झारखंड में सब लोग अपने अपने घर पे आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा घर आपका घर आपको दिखाई देगा। कई जगहों पे अब कई कांग्रेस नेताओं के घर पे ये तख्ती लगी मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी, हम लोग इनसे भी जुड़ते हैं। क्या लग रहा है सर, लगातार आप लोग सत्याग्रह कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका क्या कुछ फलाफल फिलहाल अभी मिल रहा है? देखिए, लगातार जो देश में एक तरफ से संवैधानिक संकट एक बड़ा दीवार की तरह खड़ा होते जा रहा है, लोकतंत्र का जो हालात संविधान को जिस तरह से तोड़ मोड़ कर किया जा रहा है पूरा,
आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, पूरे देश के कई एक जगह पर्व त्योहारों में भी आप देखेंगे तो एक तरफ से टांडव मचा रहा था। हाल के दिन में रामनवमी में कई एक प्रदेश में आप देख रहे हैं लगातार। आज लोकतंत्र जिस तरह से खतरे में है, संविधान खतरा में है, इसमें कांग्रेस पार्टी एक तपस्वी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कुर्बानी दी है पार्टी, और इस देश को आज़ाद करने में जो कांग्रेस पार्टी का जो योगदान रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों में चलने वाले लोग हैं। आज आप देख रहे हैं इस सत्याग्रह में लोग महसूस कर रहे हैं, आम लोग ताना भगत आए हुए हैं देहात से, दूर जंगल से, और ताना भगत महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी हैं, पूरे ये देश जानती है। आज उनको भी ये खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए आज सारे लोग बैठ करके हम इस सत्याग्रह के माध्यम से हम आम जनता तक ये संदेश देना चाहते हैं, और इस संदेश को गांव-गांव लेके जाना चाहते हैं कि इस देश को जिस तरह से चंद उद्योगपति के हाथों में गिरवी रख दिया गया है, आज किसान की बात नहीं हो रहा है, महंगाई आप चरम पर आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर के इस सत्याग्रह के माध्यम से इनका जो असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का असली चेहरा है, इस चेहरा को आम लोगों तक ले जाने का काम करेंगे। आज सवाल है कि जिस तरह से देश में, चाहे आप कहें आपका वो आखिर कौन है, आप अडानी के बारे आप क्यों नहीं करते हैं, क्यों उसके बारे में आप क्लियर नहीं करते हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के देश आंदोलनरत है, देश आंदोलनरत है, और ये हमारे प्रदेश में लगातार ये आंदोलन चलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को भी सुना, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं और एक ही नारे के साथ यहाँ पर आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, डरो मत अभी भी संविधान जिंदा है। और साथ ही साथ सत्याग्रह कार्यक्रम के जरिए ताना भगत जो जितने भी हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब देखना ये है कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर आगे कांग्रेस कदम उठाती है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।